हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश मसारी और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स। इससे पहले मैथ का और आपका हिस्ट्री का, बायोलॉजी का और फिजिक्स का और भूगोल का भी सभी का क्रैश कोर्स का वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आप नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे 15 मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही सभी प्रश्न आपको मैट्रिक एग्जाम के साइंस वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अभी तक नहीं किए हैं लाइक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का आइकन आएगा, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं जो दिया गया है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैट्रिक एग्जाम में मात्र 2 नंबर में पूछे जाएंगे और दिया गया है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको मैं जिस तरीके से बताऊंगा ध्यानपूर्वक सुनना है। आप चाहे तो मेरे बातों को लिख के और कॉपी पर याद भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। आप लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आपको उदाहरण में एक दे देना है। जैसे मान लेते हैं अगर हम नाइट्रोजन गैस को N2+ हम O2 अभिक्रिया कराते हैं तो आपका हो जाएगा 2NO और माइनस हो जाएगा ऊष्मा, ठीक है, क्योंकि माइनस ऊष्मा का मतलब यह हुआ कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप मात्र 2 नंबर में आएगा और आप लिख सकते हैं अगर इस तरीके से आता है तो। फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया गया है कि अभिक्रियाशील समूह क्या है, ठीक है, या आएगा अभिक्रियाशील समूह किसे कहते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आप लिखेंगे कि किसी भी यौगिक या किसी भी कार्बनिक यौगिक में, सबसे अच्छा आप लिखिएगा कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर रहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उसे अभिक्रिया समूह कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उसे अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। आप उदाहरण के लिए लिखेंगे, जैसे सभी अल्कोहल में अभिक्रियाशील समूह OH रहता है। आप OH को देखे होंगे, OH को कहते हैं हम अल्कोहल। तो अल्कोहल के आप जितने भी अभिक्रियाशील समूह देखेंगे उसमें अभिक्रियाशील समूह यही होगा आपका OH। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मात्र 2 नंबर में पूछे जाएंगे और यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि लास्ट में 5 नंबर वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो वीडियो के लास्ट में होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि संक्षारण क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए। तो संक्षारण क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है, तो आप लिखिएगा सबसे पहले यहाँ पे तो क्वेश्चन है कि संक्षारण क्या है, ये एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लिखिएगा किसी धातु का अन्य धातु या अयौगिक से अभिक्रिया कर, ठीक है, किसी धातु का अन्य धातु या यौगिक के साथ अभिक्रिया कर अवांछित रूप में परिवर्तन होना संक्षारण कहलाता है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, किसी धातु का अन्य धातु या यौगिक के साथ अभिक्रिया कर अवांछित रूप में परिवर्तन होना संक्षारण कहलाता है। ठीक है, संक्षारण को अपने भाषा में कहें तो उसको हम जो बीजी बोलते हैं ना, या लोहा में बीजी लग जाता है या कुछ भी में बीजी लग जाता है, तो उसी को आपका साइंस के यानी आपका विज्ञान के भाषा में उसे हम संक्षारण बोलते हैं। तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि किसी धातु का अन्य धातु या यौगिक के साथ अभिक्रिया कर अवांछित रूप में परिवर्तन होना संक्षारण कहलाता है। जैसे में लोहे में जंग लगना, सिल्वर सल्फाइड का बनना, तांबे पर हरे रंग का परत जमना, ये आप उदाहरण में लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको इसी क्वेश्चन में बोला गया है कि इसे कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो आप लिखिएगा इसके रोकने के उपाय में कि धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उसे मिश्र धातु में परिवर्तित कर देना चाहिए। अगर कोई भी एक धातु है जैसे मान लेते लोहा है, तो उसे हम मिश्र धातु में अगर परिवर्तित कर देते हैं तो उसमें आपका ये जंग नहीं लगेगा यानी बीजी नहीं पकड़ेगा। फिर आप 2 नंबर में लिखेंगे, या उसके सतह पर जस्ता या सोने चांदी की परत चढ़ा देना चाहिए। कोई भी हम धातु पर अगर सोने चांदी या जस्ता की परत चढ़ा देंगे
तो उस धातु में कभी भी जंग नहीं लगेगा, यानी संक्षारण से बच जाएगा। ठीक है, तो मात्र आपको इतना ही लिखना है। और अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपका आठवां क्लास से आता जा रहा है और ये मैट्रिक में बहुत बार देखने को मिलता है। जो दिया गया है कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, ये रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु का अंतर स्पष्ट करना है ये दोनों में। तो आप लिखेंगे एग्जाम में कि धातु और अधातु में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। ठीक है, इतने लिखने के बाद आप रोमन नंबर एक में लिखिएगा, जिस तरह मैं आपको बताते चलूंगा, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, या आप चाहे तो लिख सकते हैं और उसी तरीके से याद कर सकते हैं। तो एक नंबर में आप लिखेंगे कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, एक में क्या लिखिएगा कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। फिर रोमन नंबर आपको दो में लिखना है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है जबकि अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होता है, अंतर स्पष्ट करने वाला। और आप रोमन नंबर तीन में लिखेंगे धातु Cl2 को दोस्तों हम कहते हैं क्लोरीन गैस। ठीक है, तो धातु क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कर वैद्युत सह संयोजक क्लोराइड बनाता है जबकि अधातु Cl2 यानी क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कर सह संयोजक क्लोराइड बनाता है। ठीक है, धातु क्या होता है कि जब धातु क्लोरीन से अगर अभिक्रिया करा देते हैं तो वैद्युत सह संयोजक क्लोराइड बनाता है, लेकिन वहीं हम अगर Cl2 को अगर अधातु से अभिक्रिया कराएं तो सह संयोजक क्लोराइड बनाता है। ठीक है, उसके बाद में एक लाइन आप और जोड़ दीजिएगा कि धातु को कार्बोनेट और सल्फेट तथा नाइट्रेट होते हैं, जो धातु में होते हैं कार्बोनेट यानी CO3, उसके बाद में सल्फेट यानी SO4 और नाइट्रेट यानी NO3 होते हैं जबकि अधातु में नहीं होते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, आपको एग्जाम में केवल इसी तरीके से लिख देना है और हो सके तो ये भी आपका क्वेश्चन दो या तीन नंबर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर पाँच कुछ इस प्रकार है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें, तो देखिए साबुन तो आप सिंपली जानते होंगे और अपमार्जक शायद सर्फ को कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिखिएगा कि साबुन और अपमार्जक में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। इतने लिखने के बाद आप लिखेंगे रोमन नंबर एक में, तो रोमन नंबर आपको एक में क्या लिखना है वो लिखेंगे कि पहले तो मैं आपको बता दिया हूँ कि जितने भी प्रश्न आपको अंतर स्पष्ट करने वाले पूछे जाते हैं आपको पहले क्वेश्चन लिखना है और आप लिखेंगे कि निम्नलिखित है। दोस्तों आप निम्नलिखित लिखने के बाद आप लिखेंगे रोमन नंबर एक में, ठीक है, जिस तरह मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपको लिखना है। तो रोमन नंबर आप एक में लिखेंगे कि साबुन में कार्बोक्सिल अम्ल की लंबी श्रृंखला होती है। ठीक है, जबकि आप मार्जक में बेंजिक सल्फ्यूरिक अम्ल का सोडियम लवण होते हैं, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि साबुन में कार्बोक्सिल अम्ल की लंबी श्रृंखला होती है, यानी साबुन में सोडियम की लवण होती है जबकि आप मार्जक में बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल का सोडियम लवण होता है। ठीक है, आप रोमन नंबर दो में लिखेंगे कि साबुन द्वारा कठोर जल में भी कपड़ा साफ नहीं होता है, यानी जो साबुन है ना, तो हम कठोर जल में अगर कपड़ा साफ करेंगे तो साफ नहीं होगा जबकि अपमार्जक द्वारा कठोर जल में भी कपड़ा साफ हो जाता है। ठीक है, फिर रोमन नंबर आप चार में लिखेंगे अपमार्जक में साबुन की अपेक्षा आर्द्रता गुण अधिक पाया जाता है, यानी अपमार्जक में साबुन की अपेक्षा आर्द्रता गुण कम, यानी साबुन में कम पाया जाता है और अपमार्जक में आर्द्रता गुण ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, साबुन की अपेक्षा। फिर रोमन नंबर आप अगला में लिखेंगे कि अगला रोमन नंबर में लिखेंगे कि साबुन वनस्पति तेल से बनाया जाता है जबकि अपमार्जक पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है। ठीक है, केवल आपको इतना ही लिखना है और ये भी आपका क्वेश्चन, हालांकि हम लोग सॉल्व कर चुके, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लिखा गया कि क्या कारण है कि, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, कि क्या कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को क्रिएशन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं याद होगा तो अभी क्या कीजिए कि आप ये क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए कहीं पे और याद कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आ सकते हैं।
अगर नहीं याद होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको याद कैसे करना है। आप तो इतना जान ही सकते हैं कि साबुन यहाँ पे इसको इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि अगर ये अगर किरोसिन तेल में नहीं रखते हैं सोडियम और पोटेशियम को तो वो आग लग जाता है, इतना तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हालांकि मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन बता देने के लिए, जबकि क्वेश्चन आपको मालूम हो जाएगा तो आंसर कहीं ना कहीं से आप ढूंढ पाएंगे और याद कर पाएंगे। तो उसके बाद में यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अम्ल क्षार तथा लवण क्या है। ठीक है, अम्ल क्षार तथा लवण क्या है, तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। मैं सबसे पहले अम्ल का बता रहा हूँ कि लिखिएगा कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, तथा स्वाद में खट्टा होता है और यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देता है, यानी एच पर प्लस देता है। आप लिखेंगे कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तथा स्वाद में खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे में आप लिख सकते हैं H2SO4HCl और HNO3। ये दोस्तों प्रबल क्षार है और प्रबल अम्ल है और वही हो जाएगा CH3COOH और H2CO3 और HCOOH, ये हो जाएगा आपका दुर्बल अम्ल। फिर आप दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं इसी में जो दिया गया क्षार क्या है, तो आप लिखेंगे कि क्षार वह पदार्थ है जिस जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जिसका जलीय विलयन स्वाद में तीखा होता है। ठीक है, जो हाइड्रोक्सिल आयन देता है, जैसे में आप लिखेंगे KOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद में लिखेंगे NaOH यानी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर लिखेंगे MgOH का होल ट्वेस्ट, ये आपका प्रबल क्षार है। और फिर आप दुर्बल क्षार का भी अगर बात करें तो आप लिख सकते हैं NH4OH और आप लिखेंगे NH2CONH2 यानी यूरिया का सूत्र, ये आपका दुर्बल क्षार है। ठीक है, उसके बाद में आपका बात आता है लवण का, तो आप लवण का लिखिएगा कि देखिए मैं जिस तरह बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। लिखिएगा कि लवण वैसे रासायनिक यौगिक है, या लिखिएगा कि लवण वह रासायनिक यौगिक है जो किसी अम्ल में हाइड्रोजन को धातु द्वारा विस्थापित करने से बनता है। एक बार फिर से सुनिए कि अम्ल वह रासायनिक यौगिक है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन को धातु द्वारा विस्थापित करने से बनता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे लवण क्षार और अम्ल का आसानी तरीके से आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया कि लोहा के प्रमुख अयस्क का नाम लिखें, तो लोहा के प्रमुख अयस्क का नाम लिखिए। आप लिखिएगा कि लोहा के प्रमुख अयस्क निम्नलिखित हैं। एक नंबर में आप लिखिएगा हेमेटाइट अयस्क, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O3। ठीक है, उसके बाद में आप लिखिएगा कि मैग्नेटाइट, उसके बाद में लिखिएगा सीडेराइट, यही होता है लोहा के प्रमुख अयस्क। एक बार फिर से सुनिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है कि दिया गया है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जाने से पहले याद कर ही लेना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में हो सके तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मेंडलीव के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पे इसका भी आंसर आप क्या कीजिए कि गेस्ट पेपर से याद कर लीजिएगा, या मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ। देखिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादित रूप से है। यहाँ पे आपका इसका ये दोष भी लिख सकते हैं। ये दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक याद कर लीजिएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के प्रमुख दोष को लिखें, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट करें। ये आप दोनों का आंसर अपने किताब से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो किसी इस प्रकार है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टा पदार्थ नहीं रखना चाहिए, क्यों। ये भी क्वेश्चन हालांकि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको क्या करना है, किताब से याद कर लेना है। अगर इसका आंसर भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको इसका भी आंसर पे वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टा पदार्थ रखना मना है, क्यों। तो इसका भी आंसर आप याद कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, जो कुछ इस प्रकार है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ध्यान से सुनिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप VVI में रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनता है, इसके उपयोग लिखें। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला हो सके तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो आप लिखेगा कि जिप्सम को, देखिए जिप्सम को आप अगर गलाते हैं ना तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो इसका भी मैं, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनता है इसका उपयोग लिखें, तो आप सिंपली लिखिएगा कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। उसके बाद में आप लिखिएगा कि इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हेमीहाइड्रेट है। ठीक है, आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप लिखिएगा कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। अब इसका उपयोग किया जाए तो आप लिखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। एक में लिखिएगा कि टूटी हुई हड्डी को प्लास्टर करने में किया जाता है। ठीक है, दो में लिखिएगा कि मूर्तियों के सांचे बनाने में किया जाता है। तीन में लिखिएगा कि अग्नि सह पदार्थों के रूप में किया जाता है। और चार में लिखिएगा कि प्रयोगशाला के छिद्रों को बंद करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसी तरीके से आप लिख दीजिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आप क्या कीजिएगा कि एग्ज़ाम में जाने से पहले ये सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, जो दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लिखिएगा कि पृथ्वी पर बढ़ रही उष्णता को कम करने के लिए, ध्यान से सुनिए, पृथ्वी पर बढ़ रही उष्णता को कम करने के लिए विश्व के कई देशों से जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने उष्णता को कम करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त किया, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, एग्ज़ाम में चले जाना है, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अगर आता है तो मैं जिस तरीके से मैं आपको बताया हूँ उसी तरीके से आंसर लिख देना है। लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे जो दिया गया है कि कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर स्पष्ट करें। तो आप लिखिएगा कि कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। एक में लिखिएगा कि कार्बनिक यौगिक के कथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं, जबकि लिखिएगा कि अकार्बनिक यौगिकों के कथनांक और गलनांक ऊंच होते हैं, जबकि कार्बनिक यौगिकों के कथनांक और गलनांक निम्न होते हैं। ठीक है, फिर दो नंबर में लिखिएगा कि अकार्बनिक यौगिक जल में विलय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, जबकि यहाँ पे आप इस तरीके से आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा अगला नंबर में कि आवर्त अकार्बनिक यौगिक में तत्वों का संयोग वैद्युत संयोजकता के आधार पर होता है, जबकि कार्बनिक यौगिकों का संयोग सह संयोजकता के आधार पर होता है। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है। ये कार्बनिक यौगिक सबसे अच्छा, तो मैं इसलिए बताऊंगा कि चूंकि आप वीडियो में अच्छी तरीके से याद ना कर पाए होंगे, तो इसलिए आप क्वेश्चन को देख लीजिए, आप गेस या आप अपने टीचर से जिनसे पढ़ते होंगे आप कोचिंग में, तो उन्हीं का गेस से ये आप केवल क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर कहीं से आप याद कर लीजिए, क्योंकि केवल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर मैं आपको बताया हूँ, अगर उस तरीके से याद है तो ठीक है, और नहीं तो दूसरे कहीं से आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में 100% ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम ऐसे ही मिलेंगे नए VVIP प्रश्न के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।